रिवाइज द टॉपिक एडिशन. आज हम एडिशन जो हमारा टॉपिक है उसे रिवाइज करेंगे. ओके, अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वन. फर्स्ट क्वेश्चन में जो फ्रंट वाले डिजिट्स हैं उन्हें हम बाद में ऐड करेंगे, लेकिन पहले हम जो हमारे बैक डिजिट जो है वन और टू इन्हें ऐड करेंगे. देखो, वन प्लस टू वन टू थ्री, तो कितना आया? थ्री. वन प्लस टू इक्वल्स टू थ्री. ठीक है, थ्री प्लस थ्री इक्वल्स टू सिक्स. यहाँ पर क्या आएगा? सिक्स. ये जो ऐड है, ये जो एडिशन है, इसे आप लोग लाइन्स के थ्रू भी कर सकते हैं. जैसे वन ऊपर वन है तो वन लाइन, फिर टू है तो फिर टू लाइन्स और हम करेंगे, उससे क्या हो जाएगा? ये टोटल थ्री. और ऐसे ही थ्री लाइन्स, पहले थ्री लाइन्स, फिर थ्री और लाइन्स की चिन्हियाँ, फिर उनको उनका टोटल करेंगे, उन्हें काउंट करके उनका टोटल करेंगे, तो क्या जो आएगा उसे यहाँ पर फिल कर देंगे. आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे ही ईजीली भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया. वन प्लस टू इक्वल्स टू थ्री. ये क्या है? सेवन प्लस टू सेवन एट नाइन. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नाइन. ये क्या है? वन प्लस टू वन टू थ्री. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? थ्री. जीरो और जीरो का तो हम कुछ कहीं तो जीरो मीनिंग होता है कुछ भी. जीरो पता है आप लोगों को, जीरो मीन्स कुछ भी नहीं. तो जीरो का हम एज इट इज जीरो ही लिख लेंगे. वन प्लस वन वन टू, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू. ये एडिशन. ओके, अब टू है तो हम लोग टू को फोर में फोर से ऐड करेंगे. टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सिक्स. ये टू है तो हम टू में सिक्स ऐड करेंगे. करो, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? एट आ गया यहाँ. ये क्या है? सेवन प्लस टू सेवन एट नाइन. हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? नाइन. बिकॉज नाइन इज आर आंसर. वन प्लस टू इक्वल्स टू थ्री. सारे के हमने ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व किया.
कैसे किया, पहले 1 में 2 को प्लस किया तो 3 आया, 3 में 3 को प्लस किया तो 6 आया, 7 में 2 को प्लस किया तो 9 आया, 1 में 2 को प्लस किया तो 3 आया, 0 से 0 को एज इट इज दिया, 1 में 1 प्लस किया तो 2, 2 में 4 प्लस किया तो 6, 2 में 6 प्लस किया तो 8, 7 में 2 प्लस किया तो 9, 1 में 2 प्लस किया तो 3, 5 में 4 प्लस किया तो 9, 2 में 1 प्लस किया तो 3, 2 में 5 प्लस किया तो 7, 1 में 1 प्लस किया तो 2, 0 में 2 प्लस किया तो 2, 1 में 1 प्लस किया तो 2. अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ही? अब आपको ये वर्क अपनी नोटबुक में भी, मैथ्स की नोटबुक में आपको नोट करना है और साथ साथ में इनका रिवीजन भी करते रहना है. ओके?